कई बार ऐसे आती थी मन में कि हम भी कुछ कर रहे हैं अपने अच्छा करना ही क्या है जिनके लिए हमने करना था वो ही हमारे बीच में नहीं रहे हम छोटे से गांव से हमारे छोटे छोटे क्षेत्र है बड़े मुश्किल से तो मेहनत करके थोड़ा नाम हुआ था, नाम हुआ था। और वही जड़ से मिटा दिया महासु महाराज में इतनी शक्ति है कि हम चुप रहे वो चुप नहीं रहेंगे अजय भाई ने बोला कि अब मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया अब आपके चैनल के लिए भी कुछ करना पड़ेगा और हिमाचल से मुझे इतना प्यार मिलता है कि बहुत ज्यादा पानीरे रे कब क्या हुआ पहले मोड़का जी के पास कर रहा था ला ऐसे गाने नहीं चलते <laughs> लद्दाख में शूट किया था हाँ जी जी चलान भी कटा था <laughs> <laughs> तो हिमाचली पॉडकास्ट पे आपने अनाउंसमेंट कर दी <laughs> कल दिया जो कि अजय चौहान को पता ही नहीं है मुखरो याद तो मुखरो याद तो बुरी पड़ी बोतलो पीऊ खड़ी खड़ी द हिमाचली पॉडकास्ट नमस्ते मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड 27 एपिसोड 27 है एक बहुत ही खास मेहमान के साथ जो हमारे पास यहाँ आए थे उत्तराखंड से उत्तराखंड के जौनसार इलाके से अज्जू तोमर इनका नाम है हिमाचल की किसी भी शादी में आज की डेट में आप चले जाइए अजय चौहान और अज्जू तोमर के गाने आपको ज़रूर सुनाई देंगे नाटीरा चस्का बुरा मुख रोदता बुरी ता धींगता झुमका हारुल ये कुछ गाने ऐसे हैं जो हर शादी में आज की डेट में हिमाचल उत्तराखंड में प्ले होते हैं ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं जो मैंने आज पहनी है ये अज्जू भाई ने मेरे लिए वो लेके आए थे इसको उन्होंने बताया कि चोड़ा कहते हैं जौनसार से ये लेके आए हैं और अभी अभी अज्जू भाई की शादी हुई है उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इज फ्यूचर लाइफ बाकी ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में आपको डिटेल में इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ जानने को मिलेगा शादी से रिलेटेड अज्जू भाई ने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में शेयर की है बहुत ही सिंपल सा पर्सन है अपना अज्जू भाई बहुत ही सादगी में रहना पसंद करते हैं और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई जब ये पॉडकास्ट एपिसोड मैंने शूट किया इनके साथ आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल टी एच पी क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें फेसबुक पे भी हम आपको द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से मिल जाएंगे धन्यवाद आज द हिमाचली पॉडकास्ट पे आए हैं हमारे जॉनसार बावर से उत्तराखंड से जू भाई अजु भाई दिल से स्वागत है आपका द हिमाचली पॉडकास्ट में जी नमस्कार सभी को नमस्कार फाइनली आप आ ही गए आज <laughs> <laughs> बहुत दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी कि कैसे मुलाकात होगी राइट तो आज ऊपर वाले ने आज का टाइम मुलाकात करवा दी <laughs> आज का टाइम फिक्स किया अजू भाई जॉन जौनसार बाबर से आप आते हैं तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं चाहता हूँ महासुदेवता जी के किसी भजन से की जाए तो मजा आ जाएगा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने कुछ टाइम पहले एक भजन निकाला था okay. तो वहां से शुरुआत करते हैं ठीक है। बोलो चार मासू की जय ओ लगी तेरी लगन, ओ देवा देवासू महाराजा देवा ओ तेरे दा होना मगन ओ देवा मासू महाराजा जय देवा मासू महाराजा छोटे बड़े ऊँचे नीचे सोबेताओं के मानो हर घरों दा तू बसीय घर गर घरों दा तू बसीए सबकी जीव जानो ओ देवा मासूम राजा जय देवा मासूम राजा जय चार मासूम जय मासूम बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया भजन है यार ये तो सुनूंगा इसको मैं अच्छे से सुनूंगा बिल्कुल बाकी अज्जू भाई धमाल मचा रखा यार है यार आजकल आपने अरे भाई जी ट्रिपल हाँ, बिल्कुल ये तो है अजय चौहान अज्जू तोमर अभी, अभी चौधरी है तीनों ने जो धमाल मचा रखा है पूरा उत्तराखंड हिमाचल पूरा हिला के रखा हुआ है आशीर्वाद है आप लोगों का लोगों का प्यार है चस्का ऐसा लगा नाटिका है फिर आते ऐसी लगी कि फिर हाँ जहां भी जाते हैं तो वहां पूछते हैं अरे भाई साहब आप चस्के वाले हो मन का मैं तो चस्के वाला हूं पर आप भी चस्के वाले बन गए अब आपको भी ज्यादा चस्का ही लग गया तो चस्के ने बहुत प्यार मिलता है बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेन आपको एक तो सवा लाख आपके आई थिंक के आसपास पे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्वर बटन भी आ गया है <laughs> अज्जू और अजय दोनों का हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत ही बढ़िया कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ ये वाला स्टार्टअप कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों से ये मन में चल रहा था कि कब जाऊं कब भाई जी से मुलाकात होगी अच्छा और बड़ी मन में थी कि भाई जी से मुलाकात करनी आपके जो एपिसोड है वो देखते रहते हैं अच्छा देखते हो अरे बहुत गौर से देखता बिल्कुल हाँ? आपके बड़े बड़े स्टार हिमाचल के जो है जिनको हम बचपन में सुनते थे तो वो बहुत सारे लोग यहाँ आए है उनको देखते रहते हैं क्या बात है अज्जू मतलब उत्तराखंड में भी दा हिमाचली भिल्कुल सुना भिल्कुल जा देखा जा रहा है बहुत गौर से देखते हैं है क्योंकि बातें बहुत अच्छी अच्छी होती है अरे वाह बहुत अच्छे अच्छे आप जवाबदारी करते हैं मजा आता है आनंद आता है बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आपका ये तो आज हमें नई बात पता चली कि उत्तराखंड में भी हिमाचली पॉडकास्ट चल रहा है हमारा बहुत अच्छे से धन्यवाद उत्तराखंड की जनता अगर आप हमारा द हिमाचली पॉडकास्ट देख रहे हैं तो धन्यवाद एक बार फिर से आपका और अजू भाई तो बातें बड़ी सारी हैं आपसे करने के लिए और मैं चाहूँगा कि आप शुरू से शुरुआत करें हमें बताएं एक तो अपने बारे में कहाँ से आप आते हैं जौनसार में मैं जौनसार से हूँ बहुत छोटा सा क्षेत्र है हमारा और सुपो मेरा गांव है ओके कालसी तहसील में आप तो आई है हमारे उत्तराखंड में तो घूमे <laughs> आप जौनसार बावर हमारे क्षेत्र का नाम है और अब शुरुआत तो मेरी बचपन से अब संगीत से मुझे बड़ा लगाव था ओके अनाड़ी भी था छिचोरापन <laughs> जो होता है बचपन में जो बच्चों का क्या शौक उल्टे सीधे शौक होते हैं छोटे मोटे शौक होते हैं तो कहीं किसी गांव में फंक्शन होते थे त्योहार बार हमारे यहाँ शुनियात बोलते हैं माघ के महीने में होती है हो। बचपन में क्या होता था स्पेशली उन मेहमानियों में मुझे बुलाते थे और बचपन में मैं ऐसे गाने गाता था बड़े उठपटांग गाने कैसे चार लोग मुंजरा बोलते हैं उसे तो हाँ जब गाने बैठते थे तो फिर जबरदस्ती खींच के लाते थे कि हाँ भाई चल गा और इसकी आवाज बहुत अच्छी है गवाओ इससे मैं खड़ा हो जाता था शर्माता भी था फिर डर लगता था कि यार मैं पता नहीं अच्छा कर भी पाऊं या नहीं जब खड़ा हो जाता था फिर तो अपने फॉर्म में आ जाता था फिर जब कभी गाने गाते थे तो शुरू कर लेता हूँ बोलो भातो तो भाणी बेडा रामा कोठा बेड़ा फिर नीचे वाले बोलते थे भाई कर <laughs> <बात है>। <laughs> अपने वो रंसिंग का जो क्या, वो रंसिंग आ, बोलते, करनाल बोलते हैं अच्छा हाँ और रणसिंह एक और होता है वो बड़े वाला होता है ऐसे करके बचता है बचपन में बड़ा नटकटी था मैं और क्या क्या निकाल लेते थे तो फिर ढोल भी बजाता था साथ में जैसे वो नीचे से ढोलक वाला उसके तरफ भी देखता था वो कैसे बजा रहा है फिर उसके साथ साथ ताल में चलता था <श्वा> तक दिंड़क दिंग दिंग दिंड़क दिंदा तक दिंदा तक तक ये ऐसी चीजें बड़ी वो रहती थी क्या बात है अज्जू भाई मतलब एक ना आपका वीडियो देखा था मैंने गाना मैं भूल रहा हूँ कौन सा जिसमें एक कोई भाई साहब है वो भी डांस कर रहे हैं यही ऐसा यही गेटअप था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सही गेटअप है यार आपका <laughs> ये है ये हमारा ट्रेडिशनल है मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी आ, थी बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या जो झुमके में पहन रखा है मैं कहा वो जरूर लेके आना <laughs> इसको क्या बोलते हैं जो इसको है बोलते हैं चोड़ा अच्छा

उसमें अज्जू अज्जू भाई भाई जब डांस करने आते हैं और वो जो गर्दन हिलती है ये बचपन में बड़ा करता था जैसे वो अभी मैंने सुना है नहीं वो धा 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 तुड़ धा तुड़ू ये ये बड़ी तालमेल के साथ चलता था मैं ऐसा नहीं बड़ा। तो लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता था बहुत अच्छा लगता था तो ये ऐसे ऐसे कैसे ये ये गर्दन हिलती है

तो, तो मतलब खाते थे उसको साथ ही मतलब को तो नहीं बुलाते थे, आओ हाँ। यार। <laughs> उनका भी बड़ा रहता था कि और कोई नहीं कर सकता ये आपके हिमाचल में सिरमौर में छिलाई अच्छा। के पास में एक गाँव है तो बोला उन्होंने कि यार टूर्नामेंट है और चलो वैसे आता तो है नहीं पर खड़े हो जाएंगे उनको वो नहीं दिया मैंने अपना कि मैं ऐसे हूँ क्या तो जैसे फील्डिंग में जब मेरी तरफ को जब बॉल आती थी ना सीधा सीधा मेरे हाथ में बॉल आई और धड़ाक दे के बस वो देखता रहता था अरे ये क्या हो गया उनको मौका नहीं मिलता था भागने का <laughs> जडेजा मतलब आप है आ, बिल्कुल <laughs> क्या बात निशाना है? बड़ा सटीक था राइटी लेफ्टी ना था तो मैं राइट थी पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी बीच में क्यों बस वैसे ही अच्छा मस्त बंदे बंदेगा स्कूल जाते थे तो स्कूल टाइम से नहीं पहुंचते थे रास्ते में क्या किया घराट होते थे ओके okay. तो हम उसकी नकल करते थे तो उसी का ही एक अगल बगल खड में उसकी कॉपी करते थे तब बनाते थे उसको सेम वो बनाते बनाते हमारे को हो जाती थी लेट और स्कूल गए तो फिर धड़ा धड़ा मुर्गे बनते थे मुर्गे बहुत बार बने जेनरिक बचपन जैसा हम लोगों सब का सबका रहा है हाँ बिल्कुल <laughs> वैसे वाला ही है खूब मार खाई है दबा के मार खाई पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था म्यूजिक को लेके बहुत ज्यादा हमने जब रिकॉर्डिंग की पहली रिकॉर्डिंग की गाने सेलेक्ट किए उसमें छः गाने थे पहले कैसेटों का ज़माना था तो उसमें तीन तीन हज़ार की हमने वो लगाई थी आपस में कि तीन तीन हज़ार रुपये लोग देंगे पर बंदा मैं घर गया मन का ऐसे ऐसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एल्बम बना रहे हैं कैसेट बना रहे हैं पापा ने बोला कि यार ठीक है कर ले जो अगर तुझे इसमें शौक़ है तो कि, कितना पैसा लगना है मन का पैसा नौ हजार टोटल खर्च होना है और मेरे पे मन का तीन हजार की वो लगाई है कि तीन हजार आप देंगे तीन पापा ने वो पूरे नौ के नौ हजार दे दी है? कि उनसे कुछ नहीं करवाना तुम जाओ अपनी एल्बम रिकॉर्डिंग करो क्या पार? और पापा से इतना डर था हम पापा के पास बोल नहीं पाते थे मम्मी हाँ मम्मी के पास अपनी शिकायत करते थे बड़ा सपोर्ट किया तो अचानक में दो और कुछ अलग ही हो गया कैसे तो मम्मी पापा एक्सपायर हो गए मेरे ओ, कब की बात है? ये ग्यारह दो हजार ग्यारह की दोनों एक साथ हाँ एक साल के बीच में पापा को अटैक आया तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए थे घर पे ही थे उस दिन हाँ तो फिर उसके बाद मम्मी को भी टेंशन हो गई पापा के हाँ पापा के उसमें तो सात आठ नौ महीने के बाद उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था ओ, हाँ फिर वो सोच बहुत ज़्यादा हाँ बिल्कुल फिर नौ महीने तक कोमा में रही मम्मी तो जो मेरा छोटा भाई है वो उस, उस बंदे ने अपनी पढ़ाई वो सब वो इलाहाबाद में रहता था ओके वहां से सब अपना बोरी बिस्तर उठा के वो घर आ गया जैसे उसको पता चला कि मम्मी ऐसे ऐसी बीमार है तो उसके बाद उसने बड़ा सब बहुत मेहनत की जरूरत से ज्यादा मेहनत की उस बंदे ने क्या नाम है भाई का नरेंद्र तोमर है अच्छा ऐसे नूरिया भी बोलते हैं उसको अच्छा हाँ तो आते रहे समय बुरा भी अच्छा भी झेला बेचारे ने तो आज आज क्या करते हैं भाई भाई जॉब करता है कहाँ पे तो जम्मू में कॉन्सर्ट सी थ्रुआ निकले वो वेरी नाइस कैसा था वो टाइम उसके बाद संगीत से बिल्कुल वैसे हो गए थे कि ये कुछ करना ही नहीं अब क्योंकि जो हमें सपोर्ट करते थे जो हमें हर हर पीड़ा हमारी जानते थे हाँ। हर चीज को समझते थे वो हमारे बीच भी नहीं रहे फिर अपने मन में भी एक बार आया कि यार मैं कई बार ऐसे आती थी मन में कि हम भी कुछ कर रहे अपने आप अच्छा हाँ तो इस करना ही क्या है जिनके लिए हमने करना था वो ही हमारे बीच में नहीं रहे बड़ी दुविधा में जिंदगी रही फिर धीरे धीरे चलो फिर उसी छोटे भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि फ़ोन करता था कि ऐसा नहीं रहना है ये लगा हुआ धंधा है ये तो होते रहते हैं हमारे साथ नहीं दुनिया में भी है कई लोगों के साथ है हमसे ज़्यादा भी शायद परेशान होंगे करो जिस चीज़ में आपको लगन है वो लाओ दोबारे से उसने एक दिन फोन पे बोला था कि नॉन स्टॉप ट्रैक कुछ बढ़िया सा करके फिर मैंने उसके बाद ये सपनों की रानी दीरे दीरे फिर धीरे धीरे फिर अजय भाई से मुलाकात हुई छोटा भाई मुझे बहुत समझदार लगता है बहुत ज्यादा बातें जो आप बता रहे हो हाँ तो मतलब आपकी बैकबोन अभी वही है छोटा भाई है हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल भाई की शादी हो रखी है अभी अच्छा छोटा कितना छोटा शादी मेरी होनी है। हाँ भाई, <laughs> में भाई का घर बसने जा रहा है <laughs> शादी का हाँ आपने बहुत डरा रखा मुझे फोन मैं फोन करता हूँ भाई का फोन भाई साहब पांच महीने रह गए फिर मैं सोच में रह जाता हूँ <laughs> फोन करो जैसे आपकी कॉल देखो फिर एक नजर उधर जाती है एक इधर <laughs> <यार, laughs> आप लड्डू पता चलेगा कि कैसा आपने है? खाया ना मैंने खा लिया है और पान कैसा लगा <laughs> मैं इस बारे में आपसे तब बात करूंगा जब आप खा लोगे <laughs> नहीं पहले बताओ ना थोड़ा <laughs> डर है मुझे बहुत ज्यादा डर है ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे हम इस बारे में अज्जू है चलो अच्छा अज्जू भाई बात तो आपका नाम रियल नेम अज्जू ही है अजब सिंह अजब सिंह है <laughs> अजब सिंह के गजब किससे <laughs> तो अज्जू घर पे बोलते थे ये जब मैं पम्मी जी के पास गया अच्छा उन्होंने इस गाने में पहले जब जो की, वो अज्ज तोमर के नाम से की उसके बाद उमर लोगों के जुबानों पे चढ़ने लग गया <laughs> वो जो गाना आपने किया था हाँ अच्छा वैसे हमारे संगीत का जो कीड़ा है वो खानदानी से ही था कैसे पापा भी बहुत अच्छा गाते थे दादी जी मेरी बहुत इंजॉय करती थी डांस इतना अच्छा नाचते थे वो हिमाचल से ही थे कहाँ से उसी मोराड़ गांव से थे अच्छा। <laughs> जहाँ की अभी बात कर रहे थे हम अच्छा सिरमौर से हाँ जी हाँ जी क्या बात है भाई ने मम्मी पापा जैसा सपोर्ट दिया अच्छा मैं बोला कि करते रहो करे फिर फिर बहुत सारे गाने आए आपको सुनाए भी थे शायद मैंने ठीक चले मिलियनों को पार कर, कर गए सारे ही गाने तो उसके बाद फिर अजय भाई से मुलाकात हुई ये वाह आप पॉइंट पे अजय भाई से मुलाकात क्या हुई उनका एक गाना डिलीट हुआ था नाटी सिरमोर वाली नाटी सिरमोर वाली यस yes. तो उस वक्त मैंने उनको कॉल की जानते थे आप पहले एक दो जगह मुलाकात हुई थी शो में हुई थी कोटी में गए थे हम तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी वैसे फिर बातचीत होती रहती थी पर जो हम सीरियस हुए मुझे उस दिन ऐसे लगा कि यार एक इतनी बड़ी मेहनत की थी और हम छोटे से गाँव से हमारे छोटे छोटे क्षेत्र है बड़े मुश्किल से तो मेहनत करके थोड़ा नाम हुआ, था। नाम, हुआ था। नाम हुआ था और वही जड़ से मिटा दिया फिर उसके बाद मुझे लगा मन का यार भाई को मैं कॉल करता हूँ एक बार मैंने भाई को कॉल की मन का आप टेंशन मत लो और कोई नहीं जिसने भी किया वो अपने लिए किया है आप इसमें मत उलझो आपने जो किया था ना उससे और अच्छा करना है उससे और अच्छा सोचो उसका तोड़ निकालो उस पर नहीं जाना है आप आगे का बढ़ो हाँ, एनर्जीज को सही जगह ड्राइवर्ट हाँ थे। बिल्कुल बता रहे थे वो कि कितना डिप्रेशन हाँ, भी भी चले गए थे वो बहुत फिर मैंने बोला मन का अजय भाई कुछ साथ करेंगे हाँ। तो साथ करेंगे उन्होंने बोला कि यार भाई ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली उनका ठीक है कर लेंगे तो धीरे धीरे फिर ऐसे वो कुछ दिन के बाद हमारे दिमाग से दोनों के दिमाग से हट गई वो बात वैसे ही रहा मामला फिर उसके बाद उनके गाँव में शो था वहीं फिर उन्होंने कॉल की अजू भाई प्रोग्राम करना है और मेरे गांव में है उनका कोई बात नहीं कर लेंगे यार आपके लिए भाई <laughs> आप मेरे लिए इतना करते हो तो आपके लिए आप उनका तो उसके बाद मेरा हुआ एक्सीडेंट हाँ, वो बताया था हाँ। कहा हुआ था ये ये दसोवी गांव है जहाँ मैं जॉब करता हूँ आप एक कौन सा डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग में हूँ अपने पापा की जगह पे लगा अच्छा पांच दिन के बाद वो प्रोग्राम था और मेरे साथ हादसा हुआ अजय भाई की कॉल आई कि अजू भाई सुना तो मैंने बड़ा बुरा है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और क्या करें मन का कोई बात नहीं देख लेंगे मन का वैसे मन का ज़्यादा वो नहीं है कर लूँगा मन का पर देखता हूँ उस दिन की स्थिति क्या होती है उनका कॉल आया रात को रात को क्या आ छः बजे कॉल आई कि आप आ रहे हो मन का यार भाई आ तो रहा हूँ एक तो बारिश भी हो रही है और ऊपर से मन का बरसात का टाइम है पहले एक दिन हादसा हो रखा चार पाँच दिन पहले अब फिर ना कहीं हो जाए पथरों का डर है भला यार आप आ जाओ आप गाना भी मत सिर्फ स्टेज पे खड़े हो जाना मैं खुश हो जाऊंगा कि चलो आपने मेरी बात को रखा गए फिर वहां जाके तो फिर कहाँ होना था पब्लिक ने जब <laughs> और हिमाचल से मुझे इतना प्यार मिलता है कि बहुत ज्यादा हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा हिमाचल के लोग इतना प्यार देते हैं हाँ। कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है सच में आपको जैसे ही मैं मंच पे गया अरे लोगों की फिर शुरू हो गई और फिर मैं भी रहा नहीं पाया मेरे से भी मैंने मन का शुरुआत करते हैं तो जैसे ही गाना गा के फिर मैंने जब मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ मैंने अलाउंस कर दिया वहां <laughs> मन का अजय भाई के साथ एक गाना एक गाना आने वाला है और बहुत जल्दी मन का हम इस गाने को रिलीज करेंगे है कुछ नहीं <laughs> रिलीज करने स्टेज पे चला गया बंदा <laughs> पीछे पास कुछ नहीं अजय भाई पीछे से अरे यार भाई क्या हो गया ये <laughs> मन कहा बस हो गया अब अब चिंता मत करो मैंने कहा कुछ टोने मेरे पास भी है कुछ आपके पास होगी तो करते हैं मन का उसके बाद फिर हम दोनों भाई फोन पे लगे रहे तो इन्होंने एक दिन बनाया कि मैं नीचे ही आ रहा हूँ और अभी चौधरी के पास चलते हैं है। उ उनके लिए तो उन्होंने मना किया अच्छा कि यार वो वो कर पाएंगे वो मन का यार एक गाना मैंने करवा रखा पानी रे गाना था मेरा उनका बहुत अच्छा है और सुनता भी है बंदा फिर अजय भाई ने कुछ कुछ गाने लिखे थे तो वो गाने मैंने सच बता रहा हूँ मैंने फाइनल नहीं गाए मतलब हाँ। में गाया मैंने जो डमी में था वही चिपकाया हमने तो जिनको ये डमी का पता नहीं है डमी वो होता है जब एक रिकॉर्डिंग करने से पहले फाइनल हाँ। रिकॉर्डिंग हाँ। से पहले जो रफ सा स्क्रैच हम रिकॉर्ड अरे अच्छा हाँ, डमी है वो वो डमी है जैसे ही हम गए तो मेरे पास उसके बाद टाइम ही नहीं मिला हाँ, मैंने घर पे काम छेड़ दिया अच्छा अजय भाई कॉल कर रहे कि यार आओ आओ उस पूरा करते हैं मन का भाई जो कर रखा है ना उसी को बना दो जैसे के तैसे होगा देखा जाएगा उनका हाँ बस मुखे <laughs> नोट लिया है मैं आता हूँ उस पे मैं शायद मैंने अजय भाई के साथ भी पॉडकास्ट में बात बोली थी कि जब मैंने मैं सुनता था सुनता थोड़ा, 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 पूरा सुना था बीच-बीच में वापिस सुना मैं क्या भाई कौन है ये आदमी जिन्होंने इतना वो नोट लिया ना अपने वो <laughs> साहब मैं क्या कोशिश करते हैं अजू भाई लग ही नहीं रहा था कि मतलब

और कई बार हम चीजों को ना बहुत ज्यादा वो लग जाते हैं करने की अरे नहीं नहीं ये नहीं अरे ये नहीं वो नहीं ये टेक वो टेक नहीं नहीं वो फिर पर कई बार ना जो वो फर्स्ट टेक आता है ना वो आ जाता है वो उसके बाद फिर झुमका किया हमने ऐसा है इतनी जल्दी जल्दी मत भागो थोड़ा पीछे आओ <laughs> थोड़ा सा पीछे आओ नाटी चे हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सुनामी किया था चल तूफान किया था ये बहुत सारे थे सब अभी सबकी बात करते हैं क्योंकि आपने अजय भाई का जिक्र कर छेड़ दिया है तो पहले हाँ, इसका कर लेते हैं सुना दो पहले तो यही सुना दो <laughs> चलो कोई नहीं वो वो गाने जब रिकॉर्डिंग हो रहे थे तो अजय भाई ने इतने चक्कर काटे के विकास नगर से अपने गाँव विकास नगर से अपने गाँव ठीक है वो इतने अच्छे बंदे हैं कि मेरे लिए तो बहुत सुपर बंदे हैं कई जगह ऐसे भी शो किए हमने की जब शो में जाते हैं अरे अजय भाई अजू भाई पेमेंट मुझे नहीं चाहिए आप ही रख लेना अच्छा हाँ क्या बात है नाइस बंदे हैं उनको समझना सबके बस की बात नहीं है और जो उस, उनको समझेगा वो उनसे जुड़ा रहेगा ऐसा छूट नहीं पाएगा कभी नहीं ओह अजू भाई फिर नाटी रे चस्का से कुछ सुना दो यार अच्छा नाटी रे चस्के से हाँ। इश्क हुआ आपसे प्यार भी है आपसे दिल दीवाना आपका इजहार किया आपसे हो होके तू पढ़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए हो के तू पढ़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए आज का जो इश्क है, है वो यार बड़ा मिक्स है, है सच्चा वही इश्क है जो पहले से ही फिक्स है, है, है तो रिस्क लोना थोड़ा रे हो बटोरी बेलुए आप भी बहुत अच्छा गाते अरे बस करो भाई <laughs> मैं तो आपके साथ फ्लोरोफॉर्म में कंपकंपी दे रहा था बहुत जबरदस्त अजय भाई मैं सुनना चाह रहा हूँ मुखरे यादत बुरी पड़ी ओ मुखरे यादत तो, हाय हाय मुखरे यादत तो बुरी पड़ी बोतल पियूं आ खड़ी खड़ी ओ सारे जाण सारे खाने पीने रे बियर रे लाऊं ठंडी हाथ पर सी बोतल छूटी गिड़ी बोतल पांदी मुखरे यादत आद तो मुखेर पियूं आखड़ी खड़ी बहुत ही बढ़िया धूमधड़ा ये दो ही गाए थे, इस, इस हाँ, थे और भी गाँव नहीं दो ही गाने तो नाटी चस्का आया चस्का के बाद आपने वैसे चस्का से पहले आपने तूफान कर दिया था हाँ 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 तूफान तूफान की क्या स्टोरी है उसमें जो पहला गाना था क्षण छण आटा तेरी चूड़ी रा बेग मुँह तो पुरानी पुरानी धुनती एक उस पे, पे करा हमने ओके okay. और फिर बीच में वो बिजोरी काकड़ी तो के खाई रे हो लुंडा बिशेणा बिजोरी काखड़ी के, के खाई बचपन का याद आया बचपन में ये गाना चलता था तो गाते थे मुंजरे में भी जैसे मैं सुना रहा था यू, यू वाला याद रहा वो मैंने सोचा मन का इसको कर देता हूँ बचपन में खीरे की चोरिया ये वो so, उसमें सारा कुछ एडजस्ट था किया हुआ उस उस गाने गाने में तो उस गाने को भी गाया एक रोहित मोटका जी ने हाँ जी हाँ जी रोहित मोटका जी ने अच्छा थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में इनके बारे में तो बस इनका भगवान ही मालिक है अच्छे बंदे है बहुत अच्छे बंदे है और मेरे तो खैर में दस बारह साल की हमारी दोस्ती है अच्छा हाँ बहुत पुरानी मित्रता है तो यहाँ पहले छैला में काम करते थे कहाँ के रहने वाले बेसिकली ये छैला के ही रहने वाले अच्छा हिमाचल से हाँ है? एक दिन वो प्रोग्राम में आए उत्तराखंड में बहुत हाइट में था वो प्रोग्राम वहाँ थी ठंड तो बड़े ऐसे त बैठा हुआ मैंने देखा मन मैं का ये बंदा कौन होगा है? बड़ा मुरझाया हुआ था उसकी कलाकारी देखी तो बड़ी अलग ही थी फिर सीधे आए मन का रिकॉर्डिंग करते हैं आपके पास तो छैला आए तो जैसे ही इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी अरे भाई साहब आप तो बहुत अच्छा गाते हो मन का तभी तो यहाँ आया हूँ उनका <laughs> 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 बहुत भटका हूँ आप कुछ कर दो थोड़ा सा तो एक सपनों की रानी एक गीत था राजेश गंधर भी जी थे उनका म्यूजिक भी था दोनों साथ काम करते थे उस समय तो फिर हमारे उसी दिन बात हुई यार मैं उत्तराखंड आना चाहता हूँ जब जिस दिन उस एल्बम के लिए आना था फाइनल करवानी थी उस एल्बम को तो उस दिन मन का यार मोटका जी उनका क्या विचार है हाला मैं तो चल दूंगा आपके साथ ऐसी भाषा है ना उनकी मन चल फिर मिले जा लेते उत्तराखंड क्या बात है हाँ, तो उसी समय उनको उठाया और उत्तराखंड ले गया तो रोहित मोदकर जी को आप कह रहे हो तभी हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी ऐसे आना पड़ता था बसों में अच्छा जी कब हाँ। की बात है ये तेरह चौदह की बात होगी और आज अपना स्टूडियो हाँ तो आए नीचे विकास नगर में रेंट पे मकान दिलवाया की रिकॉर्डिंग खूब भीड़ का हाँ? मोड़का जी छा गए सब आने लगे फिर गढ़वाली आए वहाँ कौन कौन आते हैं पे तमाम सारे कलाकार थे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिक बनाए अच्छा। हिट हुआ बंदा फिर उन उसके बाद अभी चौधरी को सिखा दिया अभी चौधरी को हाँ अब, अब, मोटका जी ने सिखाया अभी के बारे में बताओ थोड़ा सा <laughs> फिर अभी चौधरी को बिठाते रहे वहाँ तो वो आता था वहाँ ऐसे देखता रहता था कि मोडका जी क्या कर रहे कंप्यूटर में चिपकावा रहता था और उसने बहुत जल्दी वो म्यूजिक सीखा ग्रैप्स कर लिया बढ़िया छह महीने में और लग गया रिकॉर्डिंग में तो श्रावण भादा जो गाना था वो रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन मोड़का जी कह रहे यार मैं तो आ नहीं पाऊंगा रात भर सोने नहीं रखा मन का यार अभी से करवाता हूँ अभी ने किया उसके बाद फिर पानी रे पानी रे फिर अभी ने अपना इंडिविजुअल हाँ पानी रे कब क्या हुआ पहले मोटका जी के पास कर रहा था ला ऐसे गाने नहीं चलते <laughs> <laughs> उनका कोई बात नहीं देखते हैं फिर मैंने अभी से करवाया भैया हाँ, मतलब हाँ, भी भी या यार करो ना मेरे पास भी एक गाना तो टाइम हो गया था उसके पास मतलब छह सात महीने और भी हो गए थे काम नहीं करवा रहे थे उससे अच्छा तो होता है ना शुरू शुरू में कोई विश्वास भी नहीं करता ये होता है हाँ मैंने बोला मन का यार एक रिक्स ले मन का क्या बात है और गवाया उसने तो ऐसे बना दिया वो पूरे हिमाचल में और पूरे उत्तराखंड में पानी ऐसा गाना बजा और वो लिखा भी टोन थी उसकी खाली सिर्फ मेरे दिमाग में थी वो टोन की तान न न न न फिर गए वहाँ उसी दिन लिखा उस गीत को लिखा भी और उसने बोला दो दिन में मैं आपको गाना दे दूंगा हाँ। उनका ठीक है दिया वंदे ने ऐसे बना के दिया ब्लॉकबस्टर उसके बाद वो अजय चौहान से फिर बात हुई कि यार इससे करवाना है कहा अरे यार अज्जू भाई कहाँ कर पाएगा वो छोटा बच्चा है बेकार हो जाएगा ये तो बड़ा टप मामला है कि गाने अच्छे हैं उन्होंने कहीं और जगह किए थे पहले गाने अजय चौहान जी ने वही गाने बहुत पहले निकालने थे सौभाग्य रहा हमारा कि हमारे को भगवान ने बोला होगा <laughs> इन, इन अज, अच्छा। हाँ, तो, तो चस्के ने तो फिर आपको पता ही है। सारे तो हैं। चसके ने सबको फिर हाँ, लगा दिया बिल्कुल बिल्कुल जहाँ भी जाए शादी में सबसे पहले चस्का एक चीज तो है उस लड़के के म्यूजिक में समझता है वो सुनता भी है सुनता है उसको अगर बोले कि ऐसा करना है तो अच्छा। वो उसपे टिया टिप्पणी नहीं करेगा अच्छा। कि हाँ भैया ये ठीक है आप सही कह रहे हैं अगर म्यूजिक में मैं मैं के शब्द कोई अपनी ताने का ना तो वो कहीं ना कहीं सुननी पड़ती है हाँ, अटक जाएगा आ, हा, 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 हा। अगर सबकी राय लोगे तो कहीं ना कहीं मैं मुझे बहुत पसंद आया उसका म्यूजिक बहुत सही लगा मेरे को और वो बहुत सही जा रहा है नया लड़का है ना अभी तो उसने बहुत सही चीज पकड़ ली है मैं इतना बोल सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल ये हुई बात अभी चौधरी की ये बात हुई अपने रोहित मोदका जी की मोदका है मोटका है मोटका मोटका सॉरी पहला आपने किया तूफान हाँ तूफान किया था आपने किसके साथ नहीं वो सिंगल ही था मेरा सुनामी था आपका हाँ, सुनामी था उसमें अनुप चांगटा था अनुप चांगटा हाँ। जी वो जो तारा लाड़िए की जो थीम थी वो अनूप की थी अच्छा हाँ उसी ने उस शुरुआत जो लिखा था चिट्ठी लिखी प्यार हाथ कॉलम तारा लाड़िए हाथ कलम जीव मेरा जख्मी लांदी मोलम मौ। तारा लाड़िए लांदी मोलम मौ। उसके बाद हमने सारे लिरिक्स जो थे वो नए उससे लिखे हमने क्या बात इतना उसने लाया था कि आगे का करते हैं भाई उनका चलो ठीक है बनाते हैं अगर कुछ आया तो धीरे धीरे करके वो गाना भी सुपर रहा सुना दीजिए फिर थोड़ा सा बिल्कुल চিঠি লিখি প্যারো হাতে কলম তারা লাড়িয়ে হাতে কলম জিউ মে জখ্মী লি মলম তারা লাড়িয়ে লি মলম চিঠি লিখি প্যারো হাতে কলম তারা লাড়িয়ে হাতে কলমো যিউ মে জখ্মী লি মলমো तारा लाड़िए लांदी मोल मो लोगो लाहो चोर चे मारे प्यारो रे तारा लाड़िए मारे प्यारो रे कई लागी भूल दी तू यारो के तारा लाड़िए तू यारो के लागी भूल दी तू यारो के तारा लाड़िए तू यारो के बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तारा लाड़ी की अगर बात हो रही है तो ये सुनामी था <स्थाफिध> हाँ जी हाँ जी सुनामी तो में मैंने देखा है एक कोई गाना था कौन था जिसमें आप बहुत हाई गा रहे थे हाँ वो जो फर्स्ट गाना था उसमें आ, उस गाने का नाम था था रे आजा बे तो ने, 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 ने। भाई हाँ नहीं पर कुछ ज्यादा हाई कर दिया इंटेंशनली अरे अभी ने भैया नहीं 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 यही करो अरे मन का यहाँ तो करे पर मैं कहा जाऊं हो ही नहीं पा रहा था बड़े मुश्किल से किया और वो फिर भी वो चीज आ नहीं पाई उसमें जो मेलोडी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई उसमें बहुत वो एक जबरदस्ती वाला काम हो गया वो किया तो किया करना तो पड़ा पर लेकिन जबरदस्ती वाला काम हो गया। अजय भाई पर गाना तो बहुत बड़ा हिट है नो डाउट वो गाना बहुत बड़ा हिट है बट बस हाँ। मेहनत की थोड़ी सी <laughs> मुझे ऐसा लगा बढ़िया गाना है वो भी बहुत अच्छा चांगटा जी ने भी उसमें अच्छे से बहुत अच्छा गाता की बहुत अच्छे सजा रखा है उसमें पूरा एकदम सुनामी भी आप पहुंच गए तूफान भी आते हैं थोड़ा सा पहले बिल्कुल तूफान किया है अपना जी ने तूफान की क्या स्टोरी है तूफान की स्टोरी है वो भी हम अचानक में ही बैठे थे तो मोडका जी ने बोला कि यार बहुत टाइम हो गया उसने क्या किया मेरे गाने बहुत रोक दिए थे क्यों दूसरों का ही काम नहीं निमट रहा था अच्छा इतना का हाँ, रहा था। वो उसके पास भीड़ भड़का सब फिर गढ़वाल आया बावर आया हिमाचल आया कुमाऊँ नहीं आया सब कुमाऊ भी आए अच्छा तो बड़े मुश्किल से वो मौका मिला तो उस दिन वो अपने आप ही कहने यार इतने दिनों से आप नाराज हो गए कि कुछ करते हैं मन का तो करते हैं तो बताओ फिर उन्होंने बनाई एक उसमें जो खंजड़ी है, है वो बड़ी भयंकर बजाई उन्होंने हाँ, वो वीडियो में दिखा हाँ, रखा। हाँ। बस उसी चीज से वो गाना हिट हुआ। अच्छा हाँ और एक उसमें हारूल थी जो हमारी हाँ। ठेठ है पुराने जो सुना प्लीज हारूल सुना बिल्कुल बोलो खेड़े देगी ने बाजा काटा दुनिया गुआ आले छूटे बोला मोड़े रे मोड़ाइला मारे केला मोड़ाए छूटा लगा शाणी आशी लाइयो केले जाए ये था तो ये पुराने शब्द है तो ये सीताराम चौहान जी हमारे अच्छा हाँ उनसे मैंने इन इस हारूल के लिरिक्स मांगे बहुत ही बढ़िया अजू भाई तूफान में वो भी बहुत वायरल हुआ था ना आपका छण छण आटा छण तो तेरी चूड़ी राण छीरा बेगे छन आटा तेरी चूड़ी राय बोलो बाबू रे सुनियो तो गोदा बोलो बाबू रे सुनियो तो गोदा बोलो छण छण आटा तेरी चूड़ी रा बेगे मुँह छण छण आटा तेरी चूड़ी रा बेगे बोलो तंग दी बेशिए नाच दी बोलो तंग दी बेशिए नाच दी ऐसे करके तो क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया मजेदार मजेदार ये भी मैं सुनूंगा ये जो आपने कहा और ओके खाई रे हो लुंडा बिशना ये वाली हाँ आए। <laughs> गाने सब याद है आपको मेरे को पता है सुन रखे है भाई <laughs> देख रखे चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें दिल से सुनते हैं भाई सुनना पड़ता है भाई इतनी अच्छी आवाज को कौन मिस करेगा <laughs> चलिए सुनाते हैं ओके खाई रे हो लुंडा बिशेणा बिजोरी काखड़ी के खाई रे के खाई रे हो लुंडा बिशेणा बिजोरी काखड़ी के खाई रे ਇਕੋ ਕਾਈ ਕਾਕੜੀ ਬੇ ਦੂਜੋ ਤੋੜੋ ਕਦੂ ਇਕੋ ਖਾਈ ਕਾਕੜੀ ਬੇ ਦੂਜੋ ਤੋੜੋ ਕਦੂ ਇਕ ਤਿਆ ਬਿਸ਼ਣਾ ਰ ਦੂਜਾ ਤਿਆ ਬੋਦੂ ਕਈ ਖਾਈ ਰੇ ਹੋ ਲੁੰਡਾ ਬਿਸ਼ਣਾ ਬੀਜਰੀ ਕਾਕੜੀ ਕਈ ਖਾਈ ਰੇ ਕੀ ਬਾਲ ਲੁੰਡਾ ਤਿਆ ਬਿਸ਼ਣਾ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੁੰਡਾ ਤਿਆ ਬਿਸ਼ਣਾ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੀਜਾ ਗਟ ਤੀਨੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਚਾਤ ਕਈ ਖਾਈ ਰੇ हो लुंडा बिशना बिजोरी काकड़ी के ही खाई रे तालियां मैं तो मतलब पूरे मजे ले रहा हूँ मज्जू भाई और असली मैं तो लाइव कॉन्सर्ट मेरा चल रहा है मेरी ऑडियंस जो भी देख रही होगी उनको हाँ। भी मजे लग गए होंगे आज तो पानी रे सुनाते हैं आपसे अरे सुनाइए बोल पानी रे बिधिरे गोएणी लागो शाउणी झुरा बुरिया बोल पानी रे बिधिरे गोएणी लागो शाऊणीए झूरा बुरिया बोल पाणी रे भांडियाया मिले दी पाइले धारा बाता बेटी के सोचू लाणी रे भांडियाया मिले दी पाइले धारा बाता बेटी के सोचू लाणी रे बोल हाऊ चाँता राजा तेरे प्यारों का तू चाहती मेरी रानी रे हाऊ चाँता राजा तेरे प्यारों का तू चाहती क्या बात है बहुत ही <laughs> बहुत ही जबरदस्त एक टुन नहीं कौन सा एक टोटो टौंटो टोटो था आपका एक गाना <laughs> है, जो है भिल्कुल, भिल्कुल। वो भी बहुत ये टोटो इसकी जो वो एक कहानी है हाँ। वो घर घर की कहानी है अच्छा जैसे आप बोल रहे थे ना मुझे की शादी <laughs> मैं कुछ नहीं बोल रहा था भाई इनकेस आपकी होने वाली देख रही हूँ तो मैंने कुछ नहीं बोला है भाभी नहीं <laughs> मुझे माफ कर देना <laughs> वो मुझे बदनाम किया जा रहा है वो कहानी क्या थी जब आप कभी सब्जी के लिए जाते होंगे बाजार जी बिल्कुल जानते हैं बीबी भेजती होगी खुद भी जाना पड़ता है नहीं। तो फिर कभी ऐसे भी हो जाता है कि कुछ चीज अगर थोड़ी सी खराब आ गई <laughs> तो टोटल हो, तो तो हो जाती है तो टोटो ये ये लाए हो आप ही नहीं है क्या कर दिया ये ये खाएंगे हम ऐसी सब्जी ला रखी है तो फिर खुद चाहे उससे भी बेकार सब्जी ले हाँ, वो जो बोलते हैं ना टोंटो आपके हिमाचल में शायद टैटे टैटे है। बोलते हैं ना रहा हाँ बस वही हमारे यहाँ बोलते हैं टोंटो न लाया ज्यादा तो वही वो, वो एक तुकबंदी थी

ऐसा होता नहीं है <gleshi> और जो ठाका लगा उसके बाद बोले धोनी बोल रहा है यार अब क्या और किसकी चलो वो भी टों <gleshi> चलिए तो हम भी लगाते हैं जी टों टोटो टों टों टो तेरे लाई है टों टों टो जीशा को तो छान के जानो ते के तो मैं गोर बीता भी ढाला तब तो भी वो लाइफ पर राखे टों 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 वो बंदा क्या करता है सब जगह सारा काम करता है और वो बंदी फिर भी संतुष्ट नहीं है अरे यार वो बंदा थक के आता है वो चाहता है कि यार थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है वो, अरे वो काम तेरा सही नहीं हो रखा टों टोटो तेरे लाई है टों टो टो बंदा बोलता है उसके लिए काम भी करता है आप इस वीडियो को देखना देखूंगा आप हंसोगे उस बंदे ने इतना अच्छा रोल किया है तो इसमें शिमला की भी एक बात आती है वो क्या कहता है लड़का एब मती हाँ तो आप ज्यादा मत बोलो मैं इतना परेशान हो जाऊंगा मैं शिमला चला जाऊंगा फिर वापस ही नहीं आऊंगा तू अकेली बचेगी फिर किसको लगाएगी ऑल द बेस्ट अज्जू भाई आपको भी डराते हो आप ये, ये मेरे मन में ऐसे डर बैठा हुआ है ना कुछ महीनों बाद फोन करके पूछूंगा <laughs> कर <laughs> <laughs> चलिए बहुत डरा रहे हैं आपने अरे बच करो <laughs> कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं नीचे ही ना जाऊं एक बंदा ये भी बैठा हुआ पीछे कैमरे के पीछे भी होने वाली है अभी अगले अप्रैल में अनमोल की भी शादी है ये भी मैं भाई सबको टों लगने वाली है चलिए लद्दाख में शूट किया था हाँ जी जी सुनामी सुनामी को चलान भी कटा था <laughs> <laughs> किस चीज का चलान कटा था आपका ओवर स्पीड थी ओवर हाँ? स्पीड चल रहे थे हाँ कितने में चला रही थी थी सत्तर के आसपास थी हाँ दो तीन गाड़ियां थी हमारी तो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा मित्र है सुमित चौहान है वो निकल गया पीछे से हम आ रहे थे गाड़ी भी कोई और चला रहा था तो बड़ा तेजी में था और पुलिस ने काट दिया चलान कितने का चलान सत्रह उसी से तो खतरा रूपये का का ज्यादा नहीं था चलो मन का ठीक है चलिए आपके लिए ज्यादा नहीं है <laughs> नहीं फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि बहुत भारी पड़ जाता है पैंतालीस पैंतालीस हजार के भी चालान कट जाते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए जी तो फिर झुमका अजय भाई ने बोला कि अब मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया अब आपके चैनल के लिए भी कुछ करना पड़ेगा मन यार भाई इतना <laughs> बढ़िया सोचता है है आदमी रहा बहुत ज्यादा सच बता हूँ बंदे ने इतना कुछ किया है मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था तो उस वक्त उसी वक्त से हमारी दोस्ती हुई थी क्या हुआ था होते है ना कि जलने वाले बहुत है जब आप ऊपर जाते हो तो लोग क्या करते हैं वो ये नहीं समझते कि जितना इन्होंने किया है उससे अच्छा हम भी करें हालांकि हमने इतना अच्छा नहीं किया है हमने तो कोशिश की है हम तो बस चलो लोगों का प्यार है मेहनत करते हैं सच बता रहा हूं हम कभी सात सात रातें भी हमने बिता रखी सात रात डे नाइट पूरी सात सात दिन तक रात को सोना नहीं और वक्त पे खाना भी नहीं मिलता है तो ये चीजें और लोग फिर उसका और लोग भी नहीं लोग तो बहुत अच्छे हैं लोग बहुत प्यार देते हैं हमें लेकिन आपस के कलाकार वो टांग खींचने वाला काम करते हैं ये तो होता है भाई ये सब जगह नहीं नहीं होना था। होना चाहिए चाहिए दादा पर है ना अगर कुछ आप अच्छा काम कर रहे हैं आपके पीछे क्यों पड़ना है आपकी टांग खींचनी राइट वो हमने तो आपसे आगे का सोचना है कि जितना आप कर रहे हैं उससे अच्छा हम भी करें अजू भाई ऐसी थॉट सबकी नहीं होती ना इतनी अच्छी थॉट थॉट लगे अगर सबकी होती तो दुनिया और कितनी खूबसूरत होती तो उस समय मेरे साथ भी कुछ किया कुछ अच्छा। यूनिटी बनाई तो चाह रहे थे कि कैसे इनका नाम खराब हो कैसे ये नीचे गिरे अच्छा हाँ तो मन का चलो जो भी है जैसे भी है हम तो ऊपर वाले के भरोसे में हैं। लोकली थे, लोकली थे कोई हाँ अपने उत्तराखंड के थे अच्छा मन का कोई बात नहीं हम चुप रहे अच्छा। जैसे अजय चौहान चुप रहे हम भी चुप रहे लेकिन हमें चुप कौन नहीं रहने देता मासु महाराज मासु महाराज में इतनी शक्ति है इतनी शक्ति है कि हम चुप रहे हैं वो चुप नहीं रहेंगे सच्चाई के वो बहुत देवता है वो सच्चाई का साथ देते हैं बहुत ज्यादा जब अजय भाई के साथ हुआ तो उन्होंने भी चुपते हुए तो उन्होंने उनको मासूम महाराज ने बोला हुआ कि अरे कुछ तुझे करना पड़ेगा ऐसे ही रहेगा तो फिर गया तू अच्छा ये चीज़ है थी मेरे साथ भी एक हादसा हुआ तो उसके बाद अजय भाई ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ वैसा भाई शायद ही जो मेरा रियल है, ब्रदर है ब्रदर है उनसे भी मैं उनको ज़्यादा मान सम्मान देता हूँ क्या बात है उनको रात को फ़ोन करें कि तो फिर वो नहीं देखेंगे कि मेरा घर पे काम है मेरा कुछ कल कहीं मैंने और जगह बात की है अगर मैं फ़ोन करूँ कि अजय भाई आना है रातों रात और गाड़ी में अब मेरे पास पहुंच जाएंगे तो यही हुआ हमारा जब झुमका आप झुमके की बात कर रहे थे तो झुमके में भी ऐसे ही था कि पूरे गाने नहीं थे हमारे पास बोला कि अजू भाई कुछ करना है यार चस्का तो मेरे चैनल पे बहुत अच्छा चला और बहुत प्यार भी मिला अब आपके लिए भी कुछ करना है आपके चैनल के लिए भी और सच बताऊं जैसे हमने झुमका किया तो मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत तेजी हाँ से हुआ है। तेजी से हुआ है बल्कि सिक्सटी सिक्स था उस समय और लाख हाँ क्रॉस कर गए बिल्कुल <laughs> तो झुमके में जो तांगता वाला सुनाऊंगा मैं आपको गाना <laughs> एक नहीं सुनूंगा मैं सुनूंगा मैं तो पूरा थोड़ा 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 अजय भाई ने झुमका झुमका वो गाना तैयार कर रखा था उन्होंने उनके पास एक गाना था, तादिंग था। इसकी टोन थी एक चौहान जी ने दी थी हमारे यहाँ एक सूरज सिंह चौहान जी उन्होंने उसकी आगे की वो दी थी फिर हम बैठे एक दिन भला अजय भाई ने बोला यार ये गाना तो वायरल है अच्छा मन का यार भाई कैसे बोला देखना आप मुझे व, इसका धुन भेजो मन का भेज दी मैंने पांच दिन के बाद अजय भाई का फोन आया कि भाई गाना तैयार है मन का कैसे हुआ तेरे प्यारो दा घुमा चक्रा ते बजारो दा रोदा चक्राता घुमा सैया मेरा दिल नहीं लगदा भैया वो तेरे गिलत दा घुमा चक्रा तै दा रकरा था घुमा सैया मेरा दिल नहीं लगदा भैया घड़ी के आई जा मेरा दिल न तड़फाय पाए थोड़ी और नी थोड़ी और नी आई लाना धींगता तो लड़कियां तो बिता धींगता धींगा रिल्स में इतना गाना चला ही हाय 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 बहुत मजा चल रहा है भाई जी बहुत ज्यादा हाँ। फिर झुमका था ही। फिर एक हारूल था हारुल मैं बताऊं आपको इस पूरे झुमके वाले इस में मेरा सबसे फेवरेट हारुल हाँ, उसमें एक तो जो ग्रुप जो है ना <laughs> वो बहुत अच्छा है अभी उसने जिस तरीके से ना उसको म्यूजिक को अरेंज किया है ना हारुल में स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल एक तो उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप में चलता है चलो चल रहा है पर जो पीछे जो बैकग्राउंड में वोकल्स चल रही है ना और वो जो काउंटर मेलेडी चल रही है ना उसके एक तो चलो सीधी सीधी चल रहा रहा। पागलबंदी लगती है और जब काम करने में लग जाता है तो इधर उधर के बंदों को बिल्कुल पर्दे लग जाते भाई बहुत ही बढ़िया मेरे को और बहुत अच्छा काम करता और मेरे को ऐसा लगता है की बंद क्यों हो गया ये और चलना चाहिए ये भाई मेरे उसकी टाइमिंग का बड़ा वो था फिर वो ज्यादा नहीं भाई मेरे, मेरे को तो ये लगता है कि आप इसको और लंबा रखते हमने ना हमने ना उस हारुल को बीच बीच से उठाया है हाँ। मतलब पूरी नहीं गाई है हमने उस हारूल को हाँ। एक रिक्वेस्ट करूंगा हारुल को एक कोई अच्छे से और चाहे बिल्कुल फास्ट बीट पे बनाना पर प्लीज बनाना मजा आ जाएगा हाँ बिल्कुल अगली बार करेंगे और इस बार तो ये ऐसे गाई है बहुत सारे लोगों ने इस हारुल को गाया है बहुत क्या तीन चार लोगों ने गाई है तो उनका चलो मजे के लिए हम थोड़ा सा कुछ अलग सा करते हैं तो जब इसको गाया वो वो, वो, रहा रहा तो वो, वो चीज फिट की उसने बहुत ही बढ़िया करी हाँ वो चीज उसमें बीट तो जबरदस्त मनाता ही है पर मेरे को ना सबसे ज्यादा अट्रैक्ट उसने ना उसकी जो बैकग्राउंड वोकल्स ने किया ना जो मेलोडीज ने काउंटर मेलोडीज डाल रखी है ना मेन हाँ, सिंगर हाँ, के काउंटर में ओहो बहुत ही प्लीज सुनाएंगे इसको आप बिल्कुल हारूल को सुनाएंगे बोलो केली मुड़ाई बाईया आ मुड़े रे मुड़ाई केली मुड़ाई बाईया आ मुड़े रे मुड़ाई बोलो केली मुड़ाई बाईया आ ठोरो टिकरो खुंबे डिपाई भाई आ ठोरो टिकरो कुंबेड़े पाई बाई या साचा ओला खुशिया जाया विशु के आई बाई या ऐसे ऐसे था ये समथिंग <laughs> और वो हाँ, एकदम फिर बीच में क्या आता है कुछ तो हुब है समथिंग वो पूरा <laughs> आएगा तो उससे बात करूंगा इस पे डिटेल में बिल्कुल <laughs> बिल्कुल लाएंगे उसे बिल्कुल जरूर पकड़ के लाएंगे अगर ऐसे नहीं आएगा चलिए झुमका सुना दीजिए प्लीज झुमका 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 तेरे कानोरा झुमका 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 तेरे कानोरा झूठे तेरे वादे झूठी झूठी कसमा यारा तेरे नखरे मेरे नस माँ ओन कजरा रे बाड़ घुंग रे दूरा दो चमका तेरा झुमका 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 तेरे कानोरा लाड़ा नचदा साथी लाड़ नचदे भाई नचदा साथी भावे नचदे ओ गाना बजदा ओ गाना लगदा ओ नाटीरा चस्का बुरा ठुमका 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 लगा नाटीरा <laughs> क्या बात है क्या बात है क्या बात है इसी में एक और भी तो है चौथा चो, क्या है इसमें उदी राड़े की हर कोई उसे रील में इतना वायरल कर रहे हैं हर है कोई कोई भी लड़की गिर जा रही है बस बस वो चिपका रहे हैं वही रहे है। रहे है। और भी वो वायरल है बिल्कुल कोई तांद लगा रही है तो उसमें गिर रही है और उदी राड़े ओ उदी राड़े ओ नाटी लागी नाच दी तो उदी राड़े ओ मेरे ओ मेरे यार औरी साड़ी, हो मेरे यार औरी साड़ी, ओ पाँव थिरके, सभी रे पाँव थिरके, नाटी दे नाचने के मेरे यार, सभी रे पाँव थिरके, जैसे आपके थिरक रहे हैं। ओ <laughs> <laughs> नाटी, ओ नाटी यार औरी चाली, रे मेरे यार औरी चाली।

आपके गरूंगा, पक्का करूंगा तो तो ये ये बात हो हो गई अपनी झुमके की की करते करते आप ही लोकेशन अच्छी मिलती है 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 कोशिश करते हैं हैं, हैं। बाकी तो फिर रास्ते पे चलते रहते हैं। हैं। इन चीजों में बड़ी आपत होती कभी कभी किसी किसी को को मनाना पड़ता है। कभी किसी को लाना नहीं मैं नहीं कर रही कैसे कैसे मैं कर रही अभी ऐसा <laughs> होता है यार हाँ। क्यों मैं थकी हुई हूँ आपको पता नहीं गाड़ी में अभी आ रखी थकी थकी हूँ थोड़ी देर में कर लेंगे ऐसे तो ही दिन दिन निकल जाता है अज्जू <laughs> भाई फिर <फेरे> से प्लीज <laughs> मजा आया तो ठीक है जब कभी जैसे प्लान करते हैं ना कि यार आज शूटिंग का कल शूटिंग में जाना है तो अगर लड़की को फोन करें ना हाँ जी हाँ जी बोलिए यार एक गाना था शूट करवाना था मेरे पास टाइम ही नहीं अभी बजट बताओ अरे, तो बड़ा फिर उनके पास रिक्वेस्ट करनी अरे यार सुनो ना बजट भी कर देंगे नहीं 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 पहले तय होना चाहिए बाद में आप बोलते हैं नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है <laughs> फिर, फिर अच्छा अच्छा चलिए बताइए आप अपना बजट बताइए एक गाने के तेरह हजार का बजट है आप बताओ तेरह हजार कहाँ से लाए पहाड़ी गानों के लिए तेरा हजार रुपए तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो से आप लोग अब जैसे आप लोगों के गाने हिट हो रहे हैं और हमश्योर अभी और भी जाने और ज्यादा अच्छे मिलियंस में जाएंगे तो का प्यार है अगर ऐसे ही बना रहे तो बना रहेगा तो जिस तरीके से फिर यू नो और ज्यादा ये भी आता है <laughs> ठीक है और ये बहुत जरूरी हाँ, जी, रहता जी, है। जी, 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 तो आग... क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना बड़ी समस्या होती है इन चीजों की पर मुझे लगता है जो भाई स्टार्टिंग में ठीक है अगर आप ग्रो कर रहे हो उस टाइम पे नहीं होते पैसे ऑनेस्टली उस टाइम लोग सपोर्ट भी करते हैं और कम पैसों पे भी आते भी हैं हाँ पर जब अपने पास पैसे आने लग जाते तो मुझे भी ऐसा लगता है कि देने चाहिए फिर आगे जो डिजर्व करता है हर नहीं मेहनत मेहनत रोकनी भी नहीं चाहिए कभी राइट राइट क्योंकि आपको पता ही है I know. जब मेहनत दिन रात जब कोई बंदा सोता नहीं है खाना टाइम से नहीं मिल रहा है और उसके बाद पैसा भी टाइम से ना मिले तो फिर उसके मन में अगले बार के लिए क्या रहेगा right. यार नहीं मैं नहीं कर हाँ, स्टार्ट आप कर रहे हो ग्रो कर रहे हो उस टाइम पे तो चलो ठीक है हर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है ठीक है कुछ बड़ा होगा तो पर ये चीज हमारे आ, हमारे कलाकारों में बड़ी आपत है क्या आपस में सपोर्ट नहीं करते अच्छा चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो आपस में बड़ी वो रहती है यार इसका गाना निकला ये बड़ा वायरल हो रहा है यार इसको तो। सपोर्ट नहीं आप पंजाब में जाओ दुश्मनी कितनी भी हो लेकिन जिस दिन गाना रिलीज होना सबके स्टेटस पे शेयर करते, करते हैं लोग शेयर करते हैं तो ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए देखो छोटा कलाकार तभी बड़ा बनेगा अगर आपस में तालमेल अच्छा रखोगे राइट मेले वगैरह करते हैं आप है हाँ, मेले में एक बार एक क्या हुआ कि एक मेला नहीं था वो गांव का प्रोग्राम था अच्छा तो मैं गया किसी के घर में बैठा मैं कि आज यहाँ अजूतोमर आ रहे हैं सामने मैं बैठा हुआ हूँ हाँ। हाँ। हाँ, मेरी बातें चल रही गया यार वो फिर खाना भी लाए और मेरी तरफ खूब देख भी रहे वैसा भी। यार चर्चाएं कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अच्छी बातें भी बोली एक दो होते ही है ना फिर कोई जलने वाला भी अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है मैं सामने सुन रहा हूँ <laughs> उस चीज को उसको पता नहीं है कि आप हाँ। और मैं उससे उसे जानता तक नहीं कभी ना मिला ना कभी कुछ नहीं अरे वो तो मुझे नहीं लगे वो मैं दो तीन बार मिल चुका हूँ उनसे <laughs> अरे यार मन का यार भाई इससे तो मैं कभी दो तीन बार तो दूर की बात मेरा तो कहीं दूर दूर का संबंध नहीं इससे फिर कहने लगाओ मैंने मैंने सुनी 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 उसकी अरे वो एक दिन हम बैठे थे मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा गाना है और आप गाओ और मेरे सामने उन्होंने मना कर दी और बाद में मेरी मेरा गाना चोरी कर दिया थोड़ी देर में बैठा रहा फिर मन का चलो जैसे वो बाहर को आए फिर मैंने उसको बोला मन का भाई आप कहाँ से हो भला मैं तो इधर से ही हूँ लोकल हूँ मन का अच्छा आप लोकल हो मैं नाम नहीं बोलूंगा मैं कहे कि फिर ठीक है फिर मैंने बोला मन का आप मुझे जानते हो बोला नहीं आपको नहीं जानता मन का बहुत अच्छा भाई साहब मन का अंदर तो बड़ी चर्चा कर रहे थे आप मन का मैं ही वो अज्जू तोमर हूँ अरे यार भाई जी आप सच में हो मन का हूँ तो मैं सच में पर आप ये बताओ मैंने कब आपको आप गाना छोड़ा गाने की डिस्कस कब हुई आपके साथ नहीं। कि नहीं नहीं यार भाई जी मैं मजाक कर रहा था मन का ना मजाक तो थी नहीं मैं भी वही सामने बैठा था अरे भाई जी ऐसे बड़े वो हो रखे हैं मेरे साथ और और सुनाओ ऐसा कुछ और ऐसा एक लड़कियों के जो जब मेरा रिश्ता हुआ तो उनके पास कोई फोन कर देते होंगे कि यार वो वहां भी रिश्ते लेके आया था वहां भी रिश्ते लेके आया था मैं जानता भी नहीं हूँ किसी को वहां चर्चा कर रही वो बड़ी नाराज वो तो तब मन में आती कभी कभी कि आप सच बोलते हैं <laughs> 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 <अजु भाई। laughs> वो जब उनके फोन आते ना हाँ आप वहां भी रिश्ता लेके गए थे हाँ। अरे मनका भाई मैं उन्हें जानता तक नहीं अरे जानते तो हो वो सब मुझे पता है तब फिर आपकी याद आती है और तब कभी मन, मन करता है कि भाई जी को कॉल करता हूँ फिर पूछता हूँ अच्छा भाई अभी और याद करोगे मेरे को मैं नहीं भूलने वाला आपको <laughs> सच में ये बड़ी कहानी चली जिनको मैं जानता भी नहीं वो भी बोलते मेरे मेरे घर में आए थे तो कुलदीप जी आए थे मेरे पास यहाँ पे तो कुलदीप भाई ने भी कुछ बातें बताई की ऐसी ऐसी अफवाहें उनके बारे में फैल की कि एक बार तो कि भी उनको छुरा मार दिया किसी ने और कि भाई वो नहीं रहे और हाँ हाँ, 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 ये ये, ये सच में हुआ और मेरी मदर को लोग बोल रहे हो बेचारा वैसे वाली बात तो ये चर्चाएं भी उन्हीं की लोगों की होती हैं जिनमें हाँ, कुछ बात होती है कुछ पॉजिटिव होती है कुछ नेगेटिव करते हैं लोग बट लोगों का काम है कुछ तो लोग कहेंगे वही वाली बात है अजय भाई आपने मीना राणा जी के साथ भी काम किया हाँ पहली सबस्त? बार पहली बार मौका वो हमारे उत्तराखंड की उनको स्वर किला है स्वर को किला है तो एक श्याम सिंह चौहान जी ने एक गीत लिखा था बहुत अच्छे गीत लिखते हैं अच्छा उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है श्याम सिंह चौहान और सीताराम चौहान जी है उन्होंने गीत लिखा था बहुत पहले लिखा था तो बीच में उन्होंने छोड़ दिया था कि अरे ओके तो मैंने भाई जी को बोला मन का यार भाई जी करो कुछ पहला गाना उन्होंने मुझे दिया तो हम गए भला किस से करवाए मन का वो आप देख लो कि मीना दीदी से करवाते हैं मन का चलिए मेरा तो सौभाग्य है राइट डर था मुझे मन का यार मैं उतना बड़ा वो भी नहीं हूं ना मुझे इतना ज्यादा वो है एक्सपीरियंस है कि मैं कर पाऊंगा चलो मौका मिला तो गए उन्होंने गाया बहुत जबरदस्त गाना गाया फिर उसके बाद मैंने गाया तो उन्होंने खुद ही कहा कि अज्जू जो आपने गाया है ना

बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हाँ, जो भाई है। तो फिर हमने उस दिन मंच पे भी गाया तो सुनाता हूँ मैं उस गाने को भी। बिल्कुल hmm, तू पिंकी है दो शो दे आनू एला मुखे तू भमणो की बेटी ताऊ दे ना जज मानो के फिर लड़की क्या कहती तू छोड़ी देला मुखे आऊ टैटू वे दाऊ लांदी ਹਾਉ ਤੇਰੇ ਨੀਤੇ ਸੱਤਿਆ ਬਦ ਨਾਮ ਗਾਉਂਗਾ ਹੋਂਦੀ ਪਾਣੀ ਮੁੰਝੇ ਨਾ ਭੋਂਦੋ ਨਾ ਆਗੀ ਮੁੰਝ ਜੋਂਦੋਲੀ ਹੋਲੀ ਪਿੰਕੀ ਐ ਆਗੀ ਮੁੰਝ ਜੋਂਦੋਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੂਚੋ ਤਾ ਕਦੀ ਬਿਨਾ ਹੋਂਦ ਤੂ ਪਿੰਕੀ ਐ बिना गोलेतिया मारे मुखे तू भमणों की बेटी ताऊँ देना जजमानों के क्या बात ये गाना लोगों ने इसमें कमेंट्स भी बड़े खतरनाक खतरनाक किए थे पर ये एक गाना एक संदेश गाना था हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे आप पंडित हो और हम ठाकुर हैं तो ठाकुर और पंडितों में शादियाँ नहीं होती क्योंकि जो जजमान होता है वो तो और बच्चों की तो जीद क्या होती है अगर किसी को प्यार हो जाए तो वो फिर अपने ही उसमें लगे हुए रहते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे इस गाने से कि ऐसा ना करें ऐसा नहीं होता है हमारे प्रथाओं में आज खैर हमारे जौनसार बावर में तो ऐसा हम ठाकुरों पंडितों में शादियां नहीं करते हैं हिमाचल में भी होता है ऐसा जी पर आज क्योंकि पंडितों को पंडित एक हमारे लिए तो भगवान का रूप होता है जजमान जजमान अगर खाना खाने जाते हैं कोई जजमान के घर में तो हाथ भी नहीं धोने पड़ते उनके घर में अच्छा जी हाँ जूठा नहीं उनसे धुलवाएंगे पंडित से अपनी जूठी थाली पंडित के, अच्छा के घर में खुद धोते हैं अच्छा जी बिल्कुल पंडित के घर आए हो पर आज तो आज बिल्कुल <laughs> ये 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 बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात बोली और मार्ग का महीना ही भी चल रहा है कोई बात नहीं मेरे मेरे अरे आप कमाल के <laughs> बहुत बढ़िया आपके उत्तराखंड में बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट है नरेंद्र सिंह नेगी जी है प्रीतम भरतवाण जी है इनके साथ कभी मिलना हुआ कभी एक बार नेगी जी से मिलना हुआ था तो उस दिन भी हबड़ दबड़ में मिलना हुआ अच्छा जहाँ मोडका जी बैठते हैं अच्छा वहाँ उस दिन ओपनिंग थी आ, हमारे जुबिन नोटियाल जी भी आए थे अच्छा। मीना दीदी भी थी बहुत सारे थे उस दिन ऐसे ही थोड़ी बहुत मुलाकात हुई ओके बाकी हमारे जौनसार से एक बहुत अच्छे सिंगर है अतर शाह जी हाँ अतर शाह जी रेशमा शाह जी भी <coughs> जौनसार से आते हैं जौनसार और रवाई के लगते हुए क्षेत्र से अच्छा जौनसार से भी कह सकते हैं तो भाई का गाना आया है अभी ठुमका अजय भाई का आ, बहुत अच्छा है, बात चल रहा है। आप और अब मुजरे वाला कुछ करेंगे मुझरे वाला कुछ गाना आ रहा है। अभी हमारा क्या होता है <laughs> पहले कोई फिक्स नहीं होता अजय भाई बता क्या बोला ये क्या बोल रहा है मुजरे वाला आ रहा है मैंने तो कुछ नहीं बोला है ये कब हुआ जू भाई कुछ भी बोल के आ जाता है आदमी और मुझे कराना हो मैं फंसा देता हूँ उनको फा देता हूँ फिर वो तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं ना कि आ, अरे अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा चलो करते हैं भाई भाई बोल जी। दिया तो अब अब चलो करते हैं भाई जी। हाँ, बिल्कुल बढ़िया जैसे ही उनको यहाँ की खबर जाएगी तो बोलेंगे अरे अजय भाई आपने तो अज्जू भाई फिर कर दिया आपत खड़ी तो हिमाचली पॉडकास्ट पे आपने अनाउंसमेंट कर दी <laughs> कर दिया जो कि अजय चौहान को पता ही नहीं है यही तो होता है चुपके चुपके से उनको पटाना पड़ता है अच्छा हाथ में नहीं आते वैसे टाइम क्या है टाइम हाँ। ही नहीं है वो तो पंद्रह पंद्रह बीस बीस दिन कभी कहीं कभी कहीं उनका कहीं कभी, कभी प्रोग्राम मैं जितनी बार फोन करता हूँ ना उतनी बार भाई साहब गाड़ी में ही होते हैं <laughs> मैं कह ये आदमी रुकता कब है यार मैं कह भाई कब <laughs> भाई जी बस आज इधर जा रहा हूँ आज इधर जा रहा हूँ आज इधर जा रहा हूँ बस चल रहा का चलो ये पास काम है बहुत ज्यादा नहीं अच्छी क्योंकि मुझे लगता है वो एक चीज जरूर देखते होंगे शायद वो लोगों की वो नहीं सुनते कि क्या बोल रहे हैं और ना उनका मन में वो चलता है कि इनकी लड़ाई करवानी है इनकी वो अपना फोकस कहाँ रखते हैं काम पे काम पे बढ़िया और वो सबसे बढ़िया है बेस्ट है अगर आप अपने काम पे बिजी रहोगे तो जो तो भी बात, भी हो, भी भी ताँग भी ताँग बात नहीं होगा आपके पास तो आपके पास टाइम भी नहीं है हाँ। और फिर आपका जो जिस पे आपका दिमाग जा रहा है वो काम आपका सफल हो जाएगा बिल्कुल तो ठुमका सुना दो ना कुछ हाय ठुमके में तो अब अजय भाई होते ना तब मजा आता हम अजय भाई के लिए सुन रहे हैं तुम्हारा म तेरे चुड़पुरा ओ मामा ओ मामा मंग तुम्मा तेरे चुड़पुरा यारा मोंग तुम्मा तेरे चुड़पुरा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मंग तुम्हते तेरे चुड़पुरा और जो चुड़पुर जो हमारा जो बाजार है ना है? फेमस बाजार है इसके ऊपर एक गाना उन्होंने भी गा रखा था पहले है ना चुड़पुरा भाई चुड़पुरा हाँ, चु... वो हमारे जोनसार बावर के ऐसे कलाकार थे थे कि हाँ, अब नहीं रहे अच्छा। पर उनके जैसा कलाकार नहीं हो पाएगा इतनी मेहनत करते थे और करनी पड़ती थी दिल्ली में जाके रिकॉर्डिंग होती थी उस समय तो उस जमाने में उन्होंने वो बिडरू गाना गाया बिडरू ना मानी मेरे जानो चुड़पुर बिडरू ना मानी है मेरे जानो चुड़पुर वो बिडरू ना मानी है मेरे जानो चुड़पुर बिडरू ना मानी है मेरे जानो चुड़पुर वो चल मेरी बाठनी है मेरे जानो चुड़पुर चुंग मेरी गां है मेरे जानो चुड़पुरा चूड़ भाई चूड़ पुरो चूड़ पुरो जाना मामा भी डिरू ओ मामा भी डीरु नाची गा मेरे जानो चूड़ सुरपियो सुर पियो से माची गा मेरे जानो चूड़पुरो बिक्की भाई ने भी गाया था उन्होंने भी गाया था क्या ये आपके वहाँ के जॉन सर के एक और सिंगर है राजेंद्र राणा जी राजेंद्र राणा जी गढ़वाली इनका वो बबली तेरे मोबाइल हिट हुआ था ना हां एरे तेरी स्माइल हाँ बबली तेरे मोबाइल हाय बे तेरी स्माइल ओ बड़ा हिट हुआ था होगा बहुत फेमस कलाकार है हो बहुत गढ़वाल बहुत बड़ा क्षेत्र है गढ़वाल हमारा जॉन तो इतना था है पर जॉनसार के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि हिमाचल भी एकदम ऐसे पूरा फुल पैक पावर में जुड़ जाता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए सिरमौर और जॉनसार का जो कल्चर है ना हाँ। सेम है कुछ शिमला का भी रीजन लगता है आपके मीनस से आगे जो है वो क्या कुफई एक जगह है हरिपुर धार कुफवी हाँ, हरिपुरधार कुरमोर हाँ, शिमला के रोनहाट हाँ कुफुई रोनाहाट हमारा बहुत नजदीक है हाँ, हाँ, मिनत से बहुत ही ज्यादा ज्यादा आठ दस किलोमीटर है गया मैं एक बार गया हरिपुरधार हाँ। से रोनहाट रोनहाट से फिर कुपी बिल्कुल आप हिमाचल बोलो उत्तराखंड बोलो पहाड़ों में रह रहे हैं लोग तो पहाड़ी लोग तो पहाड़ी है एक दूसरे को सपोर्ट बिल्कुल अजू भाई कुछ टिपिकल कोई गाना सुना दीजिए आपके जोन सारा घोरटो का घोरटा वो हाँ, फस फसपड़ा का गोरा वा बकरी सौदा का जिमदारो हाँ छानी के मे शावा बी बारो महीने हूँ छानी के मे शावा बी गाँव गाने को दी बेटी ना तू आमुडाई ना आए खुंबड़ी ती समझी ना तू दाई बाई घास पजारो किस्मती दो सत सदो पानी की किस्मती दोया पानी की लक्ष्मण शि रे कामो के खाचिए कामोदाणी की उंबरा सारी खाचिए धानी की इसमें कभी क्या कह रहे हैं ये इसमें है जो एक जमींदार जो होता है ना घर पे उसके साथ जो मुसीबत होती है वो घूमना भी चाहता है कहाँ फंसा हुआ है अपनी जमींदारी में वो अनपढ़ है बेचारा झाझे उपरा रे लाके सारे दुनिया दे घूमी आओ ए लाके ना बेटा मोटरू गाड़ी दा ना घूमी शोका शोरू हाउना कदी घूमि सकाश रुदाले जब देखू हूँ साथ संगाती तबी तो लागू हूँ रुदाले आप देखी के तबी तो लागू हूँ रुदाले वो कह रहा मैं कभी अपने जहाज भी उड़ते हुए देखता हूँ आते हैं और रेलगाड़ियों का नाम भी सुना है पर बैठने का कहाँ मौका मिलता है मैं तो जमींदारी में फंसा हूँ ये है कि पहाड़ों का जो आदमी है पहाड़ी जो अब तो खत्म हो गया ये वाला कल्चर अब कल्चर कहाँ रहा अब तो सब प्लान हो गए अपने घर में ताले लगा दिए सब चले गए खोखला हो गया पहाड़ अब तो देहरादून दिल्ली बसने लग गए लोग घरों में जाले पड़े हुए पलायन हाँ पलायन हो गया अब साल में कभी छह महीने के बाद ताला खोलना है तो अंदर तो कभी कहीं चूहे कभी बिल्लियां तो ये इस पे एक उन्होंने गाना लिखा था आप मुझे ऐसा लगता है इन सीताराम जी से बड़े प्रभावित है, बिल्कुल था। <laughs> तो अभी है एक दो गाने की है वैसे। तीसरा गाना फिर कौन सा बिमला वाला अच्छा वो बहुत जल्दी तो आ रहा है तो सुनाता हूँ सुना तो अभी अनरिलीज गाने को सुना कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं चलिए ने उड़े ओ किचे नाड़े खाड़े मुक तू डेरा दे डो पारा कीरा तो काटू ओ डारे फिर लड़की कहती है सौगी ले नो दी के हो रे साथी हाँ डूबीणो के डोरू सौगी ले नो दी के हो रे साथी हाँ डूबीणो के डोरू मांडो पींदी अची सुनी हो टूड़िया पानी पीऊं तो फूकी करूं इसका मतलब है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ पानी भी पीती हूँ अच्छा उससे भी डर लगता है कि इस होट ना जल जाए ऐसा क्यों? है कुछ पीछे का राज छुपा हुआ इसमें चलिए। अच्छा, <laughs> है, बरसात में जब वो आते है ना खड़ तो उसे टपने में बड़ी मुश्किल होती है सौंगारे हो साथ साथी हूँ डूब के कहीं मैं उसी के साथ ना चली जाऊं हाँ ऐसे ऐसे इसमें भाव है और लड़का क्या कहता है बिमला डांडे पोड़िशोर बर्फ जो ओले हाँ। पहाड़ों में ऊंची चोटियों में ओले गिरते हैं हाँ। नेवड़े ओकचे नाड़े खाड़े और उसका जो क्या कहें सारा निचोड़ जो है हाँ। उसका जो पानी है वो सब नाड़ो खाड़ों में आता है हाँ। मुख्य तू डेरा दे या तो मैं इन चीजों में जाना नहीं चाह रहा हूँ अपने यहाँ ही कहीं रहन बसेरा आज करवा दो वो कहीं जा रहा है अच्छा तो उसके पास बुहार लगा रहा है कि यार आज के दिन मुझे कुछ खाने के लिए रहने के लिए व्यवस्था कर दो यहाँ ये ये हम जानेंगे इस वीडियो में पूरा जब ये आएगा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत जल्दी रिलीज होगा वो मेरे खुद के ही चैनल पे अजू तोमर ऑफिशियल जी अजू भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज और बड़ी ही सच्चाई के साथ आपने वो दिखती है आपकी छकल भा <laughs> वो, वो हमारा मैं सच बता रहा हूँ दिखावे वाला कुछ नहीं है हाँ वो दिखता है ये जीवन जो जिंदगी है बहुत छोटी सी है राइट हमारी आंखें जब तक खुली है बस जिस दिन ये बंद हो गई कौन से पेड़ में लटक लटक जाएगी कोई पता नहीं कोई पता नहीं साठ अस्सी सत्तर सौ साल जीता है इंसान ज्यादा से ज्यादा और जो वक्त आपको भगवान ने दिया है हमको दिया है सबको दिया है उसे बहुत अच्छे से बिताना चाहिए राइट प्यार से रहो सबके साथ अच्छा बोलो अच्छा करो मर के क्या पता चला किसका कहाँ गए किसी का नहीं चला पता जो भाई थैंक यू सो मच पहली बात तो जो से आए हो आप सोलन में आप यहाँ हिमाचल में और इनविटेशन भी लेके आए हो शादी का फोन <laughs> जाएंगे आर... ये 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 आप शादी का लड्डू <laughs> <laughs> बाकी आपने तो खा चुका है आपने इस बारे में अब हम ऑफलाइन बात करेंगे डिटेल में <laughs> वैसे तो मेरी बीवी देखती नहीं है मेरे पॉडकास्ट पर गलती से देख लिया उसने तो बोले क्या सलाह देते रहते हो तुम इस बार इस बार पता क्या करना है आपने इसका लिंक जो है वो भेज देना है नहीं 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 मैं नहीं भेज रहा ये गलती मैंने कर रहा था <laughs> पक्का दिखाना है ना मैं नहीं दिखा रहा आप आप भी मत दिखाना अगर अपने खैर चाहते हो तो बाकी धन्यवाद आपका आप आए और मैं अब चाहूंगा कि ए, ट्रिपल ए साथ में आए जरूर ये ये कभी ये कभी नहीं टूटेगा ये रहेगा ही रहेगा हाँ कभी मतलब होता है जैसे अभी अजय भाई ने ये ठुमका निकाला है तो कल मेरा भी कुछ एक आध गाना होता है ना कोई ट्रेडिशनल कोई किसी का पर्सनल डिमांड होती है कि राइट जैसे श्याम सिंह चौहान जी ने मुझे अभी गाना दे रखा है तो वो करना पड़ेगा तो उसमें उनकी अलग अलग वो रहती है सबकी पर लेकिन जो हमारे दोनों का जो बॉन्ड है बॉन्ड है वो कभी नहीं टूटेगा वो तीसरे वाले को भी ले लो अभी को हाँ खैर <laughs> वो तो है ही वो तो मेन जड़ है आ, वो तो मेन है ना हमारे लिए क्योंकि जब तक म्यूजिक बहुत ही बढ़िया ट्रिपल ए साथ में आए यहाँ पे मुझे <laughs> बड़ा अच्छा लगेगा जब भी आप आओगे और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए ऐसे आते रहना बिल्कुल अब तो आते क्या मुझे तो आज इतना अच्छा लगा सच बोल रहा हूँ बहुत आनंद आया सेम जो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे आप, आप इंसान ही बहुत अच्छे हो एक्चुअली अरे <laughs> इंसान सामने से ऐसी पॉजिटिव वाइब दे रहा हो कि तो और मजा आता है उसके साथ इंटरेक्ट करने में अपना सा साल फील पिल, हो पिल, रहा है आपके साथ तो बहुत बहुत शुक्रिया अगले बार जरूर मिलेंगे बहुत जल्दी